अनीता और नितिन की लव मैरिज हुई थी। शादी के पहले नितिन और अनीता बहुत सारी चैटिंग करते थे और शायद इसलिए अनीता को हमेशा ऑनलाइन रहने की आदत सी हो गई थी। अनीता, अनीता, मेरे सॉक्स कहाँ हैं? अरे वहीं कहीं होंगे, ढूंढ लो। अनीता, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है ना? और मुझे भी लेट हो गया है, अब तक मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आई आज। लेकिन तुम थोड़ी देर बाद भी लाइव आ सकती हो। नहीं, जैसा तुम्हारा ऑफिस इम्पोर्टेंट है वैसे मेरा लाइव आना भी इम्पोर्टेंट है, मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नितिन और अनीता की अक्सर बहस होती थी। एक दिन की बात है, अनीता खाना बनाते बनाते फेसबुक पर लाइव थी। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, अनीता बोल ही रही थी और उसका सारा ध्यान फोन में था। और अचानक उसके हाथ से गरम गरम पतीला गिरा और उसका पैर जल गया। आह, मर गई। ओहो। ये सब लाइव रिकॉर्ड हो गया था। नितिन ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने बोला कि अनीता को रेस्ट की जरूरत है। तब नितिन ने सोचा कि वो अपनी मम्मी को बुला लेगा। नितिन ने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और अगले ही दिन अनीता की सास घर संभालने आ गईं। आते ही नितिन ने माँ को सारा किस्सा बताया। ये तो भगवान की कृपा है कि अनीता को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर बेटा अगर ऐसे ही उसका ध्यान भटकता रहा तो ना जाने क्या अनहोनी हो जाए। ये डर तो मुझे भी सता रहा है माँ, पर हम क्या कर सकते हैं? तुम मुझे ये बताओ कि ऐसे फेसबुक पे वीडियो डालकर अनीता को मिलता क्या है? माँ, फेसबुक पे लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। जब भी अनीता कुछ वीडियो डालती है तो उसकी सहेलियाँ उसकी तारीफ करती है और वो खुश हो जाती है। तो ये माजरा है। मैं समझा नहीं माँ। तू ये बता, जब भी अनीता तेरे लिए कुछ अच्छा करती है तो तू उसकी तारीफ या उसे थैंक यू बोलता है? नहीं माँ। बस यही तेरी गलती है, तू अपनी गलती सुधार ले और तेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारे समय में ये फेसबुक ऑनलाइन वगैरह नहीं था, पर फिर भी औरतें एक दूसरे की पंचायत करती रहती थीं, पर मैं कभी भी उन सब में नहीं थी क्योंकि तेरे पापा बहुत समझदार थे। वो मेरी हर छोटी से छोटी चीज की तारीफ किया करते थे और मैं उस तारीफ में ही खुश रहती थी। पर क्या इससे अनीता बदल जाएगी? तू ट्राई तो कर। तो माँ की बात मानकर नितिन ने अपनी पत्नी की तारीफ करना शुरू कर दिया। क्या बात है अनीता, आज तो कहर ढा रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो इस साड़ी में। सच में मैंने ये साड़ी कितने सालों बाद पहनी है। तुम्हें अच्छी लगी है तो मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स को भी अच्छी लगेगी, मैं अभी उन्हें दिखाती हूँ। अनीता की बात सुनकर नितिन माँ की ओर देखने लगा और माँ ने नितिन को इशारा किया कि सब्र रख। अगले दिन अनीता ने नितिन के लिए चाय बनाई। अरे वाह, क्या चाय बनाई है तुमने अनीता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। थैंक यू, अब से मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसी ही चाय बनाऊंगी। अपनी चाय की तारीफ सुनकर अनीता बहुत खुश थी और नितिन और माँ का प्लान काम करने लगा। अब अनीता हमेशा कुछ न कुछ बनाया करती थी, कभी खाना बनाती तो कभी घर के डेकोरेशन की चीजें, और नितिन भी अनीता की बहुत सारी तारीफ किया करता था। धीरे धीरे अनीता ऑनलाइन बहुत कम जाने लगी। माँ और नितिन की तारीफ और प्यार से वो खुश थी। एक दिन अनीता बाजार गई थी और नितिन और माँ बातचीत कर रहे थे। माँ, तुम्हारा प्लान तो सक्सेसफुल रहा। क्यों नहीं रहता, अरे मेरे सालों का तजुर्बा जो है। और पता है माँ, मैं और अनीता आजकल झगड़ा भी नहीं करते। बहुत अच्छे बेटा, और मैं देख रही हूँ कि आजकल अनीता बहुत कम फोन पे रहती है। सब तुम्हारी वजह से, थैंक यू माँ। ये सब दरवाजे पर खड़ी अनीता सुन रही थी। अनीता को देखकर
नितिन और उसकी माँ थोड़े घबरा गए। उन्हें लगा कि अनीता गुस्सा करेगी, पर जब अनीता घर के अंदर आई तो उसने अपनी सास के पैर छू लिए। थैंक यू माँ, आपकी वजह से मुझे समझ आ गया कि असली खुशी क्या होती है। अनीता की सास ने अनीता को गले लगा लिया और फिर 24/7 ऑनलाइन रहने वाली बहू 24/7 फैमिली बहू बन गई। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि रियल हैप्पीनेस अपनों के साथ है, वर्चुअल लाइफ तो वर्चुअल ही होती है। तो प्लीज अपने अपनों को टाइम दें। बरखा का बड़ा सपना था कि उसकी बेटी नीलम पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने, पर जब भी बरखा नीलम की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करती, उसका शराबी पति विमल रुपए चुरा लिया करता था। लुट गई, बर्बाद हो गई। ऐसे बेवड़े पति से शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तेरी भी किस्मत फूटी है, तू कभी पढ़ लिख कर बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? तेरा शराबी बाप तेरी पढ़ाई के लिए जमा किए हुए सारे पैसे चुरा लेता है, तो तू कैसे पढ़ेगी? बरखा गुस्से में आग बबूला हो रही थी और वहाँ विमल गांव के चौराहे पर शराब पीकर गिरा पड़ा था। मेरा तो नसीब ही फूट गया, हे भगवान, मेरा तो नसीब बिल्कुल फूट गया इसके चक्कर में। अरे दीदी, आप यहाँ रो रो कर जी जला रही हो और वो वहाँ आपके पतिदेव चौराहे पे लोट पोट करके आपकी इज्जत उतार रहे हैं। ये सुनते ही बरखा और नीलम दोनों चौराहे पर गए और वहां उन लोगों ने विमल को बेहोश पाया। दोनों मिलकर विमल को घर ले आए। अगले दिन हमेशा की तरह बरखा अपने पति को कोसने लगी। तुम्हें कुछ लाज लज्जा है कि नहीं, बेटी के पढ़ाई के लिए जमाए हुए पैसों से शराब पीते हुए शर्म नहीं आती? अब तो लगता है इसे घर बैठना पड़ेगा। मेरी बेटी पढ़ेगी, बहुत पढ़ेगी और बड़ी ऑफिसर बनेगी। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बनेगी, पर अगर तुम इसे बनने दो तो इससे तो अच्छा होता कि इसका बाप ही ना होता। बीवी की खितपिट सुनकर विमल घर से चला गया और जाकर चौराहे पे बैठ गया। वो अकेले ही बड़बड़ा रहा था, तभी उसकी बगल में एक ठग आके बैठ गया जिसका नाम था कल्लू। आओ आओ, सट्टा लगाओ, जो भी जीतेगा दुगना दाम मिलेगा, आओ आओ आओ। वहाँ एक गांव वाला आया। भाई, करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, मुझसे सांप सीढ़ी में जीतना है और दुगुने पैसे तुम्हारे। बस, मैं तो सांप सीढ़ी में चैंपियन हूँ, मेरे 20 रुपए। वो गांव वाला कल्लू के साथ सांप सीढ़ी खेलने लगा। विमल और गांव वाले दोनों को गौर से देखने लगे। और अंत में गांव वाला जीत गया और कल्लू ने उसे 40 रुपए दे दिए, जो जीत कर वो गांव वाला बहुत ही ज्यादा खुश था। क्या इस गांव में कोई बड़ा सट्टा लगाने वाला नहीं है? जो भी चाहो सट्टे में लगा दो, गहने गाड़ी घर दुगना मिलेगा दुगना। कल्लू की ये बात सुनकर विमल सोचने लगा, क्यों ना मैं अपना घर सट्टे पे लगा दूं? जीत तो मैं जाऊंगा ही, फिर मुझे एक और घर मिलेगा जिसे बेचकर सारे पैसे नीलम की पढ़ाई के लिए दे दूंगा, फिर बरखा की किटकिट भी नहीं रहेगी। मैं लगाऊंगा बड़ा सट्टा मैं। हाँ भाई, क्या लगाओगे? मेरे घर। ये सुनकर कल्लू बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने सांप सीढ़ी खेलना शुरू कर दिया।
सारे आसपास के लोग सांप सीढ़ी पे नजरें गड़ाए बैठे थे। विमल को लग रहा था कि वो जीतने वाला है, पर अंत में खेल उलट गया। विमल को सांप ने काट लिया। और कल्लू खेल जीत गया। अब तुम्हारा घर मेरा हुआ। कल्लू विमल के घर पहुंचा। कल्लू के आदमी सारी चीज बाहर फेंक रहे थे। विमल ने बरखा और नीलम को सारा सच बताया। मुझे लगा था मैं जीत जाऊंगा और नीलम की पढ़ाई के लिए पैसे मिल जाएंगे, पर मैं हार गया। नीलम और बरखा भी रो रही थीं। तभी वहां एक सिद्ध पुरुष आए। वो कल्लू के पास गए। ये घर क्या? मैं तुम्हें मेरा घर भी दे दूंगा, पर तुम्हें मुझसे जीतना होगा। ये सुनकर कल्लू खुश हुआ। उसे लगा एक और बकरा मिल गया। लेकिन सांप सीढ़ी मेरी होगी। ठीक है। दोनों ने खेल शुरू किया। सारे गांव वाले और विमल का परिवार एक टक देखने लगे। पहली चाल कल्लू की थी और जैसे ही उसने पासे फेंके तो 6 अंक आए। वो खुश हुआ। अगली चाल सिद्ध पुरुष की थी। उसने पासे फेंके, उनका भी 6 अंक आया। फिर 6, फिर 6, फिर सीधी, फिर 6, वापस सीधी। सिद्ध पुरुष की 2.5 चाल ही रही थी। उन्हें कभी 6 आता तो कभी सीधी मिलती और वो खेल जीत गए। गांव वालों को और कल्लू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? अब ये घर इन्हें वापस करो और अगली बार मुझे दिखे तो जो कुछ भी तुम्हारा है वो भी छीन लूंगा। विमल का पूरा परिवार सिद्ध पुरुष के पैरों में गिर गया। सिद्ध पुरुष ने वो सांप सीढ़ी नीलम को दी। ये लो बेटा, अब ये तुम खेलो। पर ये तो जादुई सांप सीढ़ी है ना? ये सुनकर वो सिद्ध पुरुष मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। वो सांप सीढ़ी विमल के परिवार के लिए तो जादुई ही थी।